इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कीव पर कब्जे के लिए रूस का स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है गुरिल्ला ब्रिगेड। ये एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसे गुरिल्ला ब्रिगेड लीड कर रही है। किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकता है रूस, तो गुरिल्ला ब्रिगेड आगे बढ़ रही है। लगातार एयर पावर से और जमीन से मदद मिल रही है, लेकिन गुरिल्ला ब्रिगेड भी मौजूद है जमीन पर और एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है ताकि कीव को कब्जे में लिया जाए। जेलेंस्की भी ये लगातार कह रहे हैं कि टारगेटेड अटैक्स होंगे और वो बड़े टारगेट हैं। टारगेट नंबर वन है रूस के लिए, लेकिन कैसे गुरिल्ला ब्रिगेड मौजूद है, रूस की ये स्पेशल ब्रिगेड है और स्पेशल ऑपरेशन वो अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ दीपांकर गांगुली जी मौजूद हैं। दीपांकर गांगुली जी, जर्मनी के रुख को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि जर्मनी स्विफ्ट में भी सख्त एक्शन के खिलाफ नहीं था, तो नाटो में क्या सख्त एक्शन लेने के लिए अगर सब तैयार होते हैं तो जर्मनी साथ रहेगा, जर्मनी का क्या रुख है? देखिए प्रणाम सबको। एक तो जर्मनी का रुख यूक्रेन के इन्वेजन के पहले अलग था, वो डायलॉग और कोशिश कर रहे थे कि जितनी बातें हो सके करें, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा 55% जर्मनी का गैस जर्मनी रशिया से लेती है, और 2014 में एंजेला मर्केल ने पूरी कोशिश की थी कि क्रीमिया के इस प्रॉब्लम के बाद वो मिंग्स प्रोटोकॉल साइन किया जाए, क्योंकि वो जो नॉर्थ स्ट्रीम टू प्रोजेक्ट है जी, उससे पूरा गैस रशिया से जर्मनी आ सके। हालांकि ये अब लास्ट मंडे को ये पूरा स्क्रैप कर दिया गया है, और चांसलर ओलाफ शोल्स ने और फॉरेन मिनिस्टर एनेलेना बर्बक ने सब ने मिलकर ये कहा है कि जितने सैंक्शन किए जाएंगे वो करेंगे। लेकिन देखिए जर्मनी के पास ऐसा कोई हथियार या असला ये सब नहीं है कि जर्मनी यूक्रेन को दे सके। जर्मनी कोशिश कर रही थी लेकिन दीपांकर जी असल में रुख ये जानना है कि अभी भी जर्मनी इस पक्ष में है कि अभी भी कोई कोशिश की जाए कि बातचीत हो, या वो पूरी तरह से अमेरिका और यूके जो रुख इख्तियार कर रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ेगा, अगर इसका आप मुझे संक्षेप में जवाब दे पाए। देखिए जर्मनी की कोलिशन गवर्नमेंट है, एसपीडी है, ग्रीन पार्टी है, एफडीपी है, वो तीनों कभी कभी अलग सोचते हैं। तो इसमें ये है कि वो जो पहली वाली पार्टी थी सीडीयू, वो कहती है कि भाई हथियार दो और अमेरिका के साथ रहो, बट बेसिक ओपिनियन सबका यही है कि वो अमेरिका के साथ ही रहेंगे। और लेकिन जर्मनी अगर वो स्विफ्ट वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले थी उसको करने से घबरा रही है, क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे पैसे रशिया में जी, और इसी वजह से वो चिंता की बड़ी वजह है। नाटो के देश क्या बड़ा फैसला करेंगे इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बड़ी खबर भी लगातार निकल कर सामने आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।